कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने एक तरफ तबाही मचा रखी है तो दूसरी तरफ सरकार की सभी तैयारियों की पोल भी खोल दी है। लगभग सभी अस्पतालों में बेड और दवा तो दूर, मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है। हालत इतनी खराब है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो इस बीच ऑक्सीजन और बाकी दवाओं व इंजेक्शन की कालाबाजारी भी जोरों पर है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि जब हम लोग हवा से सांस ले सकते हैं और ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ मौजूद है तो इसी ऑक्सीजन रूपी हवा को सिलेंडरों में भरकर मरीजों को क्यों नहीं दी जाती। आखिर हमारे चारों तरफ फैली ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसकी इतनी किल्लत क्यों है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये कैसे बनती है और सिलेंडरों में कैसे भरी जाती है। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धियां न मिली हो। कानूनी रूप से यह एक आवश्यक दवा है जो 2015 में जारी देश की अति आवश्यक दवाओं की सूची में भी शामिल की गई है। मेडिकल ऑक्सीजन को WHO ने भी आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया है। दरअसल हमारे चारों ओर मौजूद हवा में केवल 21% ही ऑक्सीजन होती है, इसीलिए मेडिकल इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड अवस्था में खास वैज्ञानिक तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है। अब जानते हैं कैसे बनती है मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे चारों ओर मौजूद हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है। हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% ऑर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन जैसी गैसें होती है। इन सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बेहद कम लेकिन अलग अलग होता है। ऐसे में अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाए तो सभी गैस बारी बारी से तरल बनती जाएगी और उन्हें हम अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं। इस तरह से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होती है। इस प्रक्रिया से पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। अब जानते हैं अस्पतालों तक कैसे पहुंचती है ऑक्सीजन। इस लिक्विड ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरर्स बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर करते हैं। यहाँ से बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों से डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके गैस के रूप में अलग अलग तरह के सिलेंडर में इसे भरते हैं। यही सिलेंडर सीधे अस्पतालों में या छोटे छोटे सप्लायर तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ बड़े अस्पतालों में अपने छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी होते हैं। अब जानते हैं क्यों है ऑक्सीजन की कमी। कोरोना महामारी से पहले भारत में रोज मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 से 1200 मेट्रिक टन थी। यह 15 अप्रैल तक बढ़कर 4795 मेट्रिक टन हो गई। तेजी से बड़ी मांग के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कत हो रही है। पूरे देश में प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध है। यह महामारी की दूसरी लहर से पहले तक के लिए तो पर्याप्त थे, मगर अब 200,000 मरीज रोज सामने आने से टैंकर कम पड़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर भी लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडरों में भरने के लिए भी खाली सिलेंडरों की कमी हो रही है। आप जानते हैं इंसान को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक वयस्क जब वह कोई काम नहीं कर रहा होता है तो उसे सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की ज़रूरत होती है, यानी रोज करीब 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़े जाने वाली सांस में 15% रहती है। यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का मात्र 5% का इस्तेमाल होता है। यही 5% ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। यानी एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मेहनत का काम करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। एक स्वस्थ वयस्क एक मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं सांस लेने की बात कर रहा हूँ, हार्ट बीट की बात नहीं कर रहा, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि वह 72 टाइम्स होता है। मैं सांस लेने की बात कर रहा हूँ।
हर मिनट 12 से कम या 20 से ज़्यादा बार सांस लेना किसी परेशानी की निशानी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्राणवायु ऑक्सीजन के बारे में जानकारी और वह कैसे बनती है और अस्पतालों में कैसे पहुँचाई जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।